लोक नृत्य घूमर और कालबेलिया नृत्य से अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले की पंचायत समिति सलूमगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बरोड़ा के ग्राम जोशीवाड़ा में वर्षा काल के दौरान मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ करता था। शमशान के पीछे एक नाला होने के कारण वर्षा काल के दौरान पानी शमशान भूमि पर भर जाता था, जिससे अंतिम संस्कार करना काफी कठिन कार्य था। और गर्मी के दौरान दाह संस्कार में आए लोगों के बैठने के लिए छाया व विश्रांति गृह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत शमशान घाट विकास कार्य स्वीकृत करवाया गया। इस कार्य के अंतर्गत टिन शेड निर्माण, चार दीवारी निर्माण, विश्रांति गृह निर्माण व पौधरोपण जैसे सराहनीय कार्य करवाए गए। इन सभी कार्यों से ग्राम पंचायत बरोड़ा के लोगों के चेहरे पर अब सुकून नजर आने लगा है। नाम है नंदलाल, गांव जोशीपुरा, ग्राम पंचायत बरोड़ा, जिला तहसील चलुम्बर, जिला उदयपुर। पहले खड्डा था, तो शमशान घाट खड्डा था, तो बारिश में लोग लेके आते हैं यहाँ पे, तो मतलब पूरा जलता नहीं, पानी बह के जाता था, बम्बुल थे, तकलीफ था। अब सुविधा बढ़िया भी, अच्छा काम तो बावंटे हुई है, जिसके ऊपर लेवल भराई हुई है, इसके बाद में शमशान घाट का ऊपर छत हो गया और इधर कमरा हो गया विश्राम बैठने का, बहुत फायदा हुआ। इनसे फायदा, गर्मी में लोग सामुदायिक भवन पे बैठेंगे, ठीक है, लकड़ी बारिश में लकड़ी गिल्ली हो जाएगी तो अंदर रखेंगे, ठीक है, बहुत फायदा। नरेगा के लेबर ने रोजगार भी पाया और काम भी अच्छा हो गया। बहुत ही ठंडा थे, उड़ा था लोग जला आते थे, वो लोग तकलीफ थी, खूब पानी अवस्था नहीं, लोग खूब बहुत बमूल था, इसमें खूब तकलीफ थी। अभी तो बढ़िया हो गया, सब दल गड़बड़ बन गया और कोर्ट बाउंड्री भी किया, वहाँ हो गया जो पक्का भी गया, इसलिए अवस्था से की है तो जलाने के लिए मतलब बहुत व्यवहारिक अवस्था बन गई और सब कुछ बहुत सब ठीक हुआ। नरेगा ने काम किया, हाँ रोजगार मिल गया। हाँ जोशीपुरा, नारायण भगवान जी जोशी, जोशीपुरा ग्राम पंचायत, ये वार्ड नंबर क्या, हाँ जोशीपुरा बरोड़ा पा, देखो बरोड़ा पंचायत तहसील सोनभद्र जिला उदयपुर क्या। यहाँ पे जो ये हमारे पहले यहाँ से ये पूरे बबुल थे, ये नाला था 5 फीट नीचे, इस घर में जो बारिश के टाइम में कोई भी आदमी का मौत हो जाता था, हमको तकलीफ थी, इनकी वजह से गवर्नमेंट का ये काम हुआ, अच्छा हुआ। 5 फीट की ये भराई की है और चारों तरफ बाउंड्री की है और ये RCC की जो मसान वेट बना हुआ, तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा विकास हुआ है और लोगों को सुविधा मिलेंगे। यहाँ की जो आबादी है बस 400, उनके लिए बहुत सुविधा हुई है क्या, और इस वजह से हमारे ये गाँव का विकास हुआ अच्छा। और हमको यहाँ से ये नाले में बहुत तकलीफ थी, तकलीफ होने के बाद कुछ लोग यहाँ से जाने जलाने पर ये बहुत तकलीफ होती थी, अभी ये सब सुविधा अच्छी हुई है। ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और नरेगा में काम हुआ वाला है और वार्ड मेंबर हमारे कांजी भगवान जी जोशी है, उन्होंने हमारा ये विकास किया है, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने हमारे सबको, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत 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 धन्यवाद से काम हुआ। गवर्नमेंट का भी हमको इसका आशीर्वाद है और सब काम की वजह से हमको सुख शांति से और ऐसे हमें समाधान हो गया, शमशान भी तैयार हो गया, रोजगार भी मिला और शमशान भी तैयार हुआ, 2-3 महीने हमने काम किया है। मेरा नाम पुरुषोत्तम जोशी है, ग्राम पंचायत बरोड़ा तहसील सलोमगढ़ जिला उदयपुर, यहाँ पे हमने नरेगा में काम किया वाला।
नरेगा में काम किए वाला, और यहाँ पे हमको बहुत परेशानी होती थी यहाँ खड्डे में जाने को, मसान पे जलाने को, और पानी आता था हमको, पब्लिक को बहुत तकलीफ होती थी। और अभी ये काम बहुत अच्छा हो गया, बाउंड्री हो गई, और हमारे गांव के लिए नरेगा से काम हुआ हमको, और सबसे बढ़िया रोजगार भी मिला है। कोरोना में हमको बहुत बहुत फायदा हुआ लोग बार को। भाई गोस्वामी, गांव बरोड़ा, पंचायत बरोड़ा, समिति सलुमा, शमशान गई काटी, बारिश होती फिर को भी मन कॉप हो जाता, लेने ले जाने जलाने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती थी। इसीलिए लोगों ने उठाया कि हमारे मंशान बढ़ाओ, शमशान बढ़ाओ, इसीलिए उसने मिलकर वो बनाया है। फिर क्या क्या बनाया, ये तो मसान बनाया, बाउंड्री बनाई है, सिर्फ बारिश होती है इसीलिए उसको खड़े रहने के लिए बनाया, सब सुविधा बहुत अच्छी बनी है। हम लोग ने भी किया, हम लोग ने पानी साटा तराई की सब, हम नरोगर में काम भी किया, हमको पैसा भी मिला, और हमारी ये सारी दाली दूर हो गई, कोरोना वजह से हम लोग फंसे हुए। मेरा नाम कांजी जोशी है, वार्ड नंबर 1 से वार्ड मेंबर भी हूँ, और जो ये काम की सुविधा हुई है ये काम के लिए तो बहुत ही हमको फायदेमंद रहा। ये नरेगा का जिला परिषद जो काम हमें मिला, बहुत बहुत आभारी है ये काम, और इतना मेरे सरपंच साहब ने वगैरह सहयोग से इतना उपयुक्त काम हुआ, और लोगों को नरेगा का भी पैसा भी मिला। कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा सके, पूरी लेबर यहाँ पर डबा के पूरी लेबर को यहाँ काम कराया हमने, और काम के लिए तो इतना फर्स्ट क्लास फ़ायदा हुआ है। ये गांव को 400-500 घरों की बस्ती है, तो उनको इतना फ़ायदा मिल गया कि पहले हम सब जलाते थे तो आधा अधूरा रह जाता था पानी की वजह से, और लकड़ी भी नहीं जलती थी, इतना पानी गोला होता, खड्डा था पूरा, 5 फीट इनकी भराई करी है, चारों तरफ बाउंड्री मारा, विश्राम गृह हुआ, शमशान के लिए टेंट का बन रहा था, RCC का बन गया, उसके लिए भी इतनी सुविधा मिल गई हमको, और नरेगा के लोगों को पूरा पेमेंट भी, ये लोगों कोरोना की वजह से इनको यहाँ पे उनको समस्या उनकी हल की गई, और इतना फर्स्ट क्लास काम आवर वक्त करते हुए जिला परिषद से पंचायत समिति जो हमर को इतना काम मिल गया इनकी, तो कितनी भी बड़ाई करे तो भी कभी है मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब की भी, और काम भी इतना लोगों को हमने बोले कोरोना की वजह से जो लोगों को रोजगार मिला उसमें लोग भी बहुत खुश है, और हमारी पूरी दारिद्रता मिट गई ये गांव की। नहीं तो इतनी समस्या थी, आधा अधूरा जलता था, नीचे जलाते थे खड्डा है जिसमें खड्डा वो गिट्टी पड़ी वहाँ पे खड्डे में हम सब जलाते थे, लोग बाहर से लोग आते थे भाई इसको बढ़ाओ, तो ये पंचायत समिति थे, जिला परिषद थे, कुछ भी करके हमको इतना पास करके, ग्राम पंचायत ने मेरे इतना पास करके इतनी योजना हमको दी, और कोरोना के जो लोग थे रोजगार गारंटी के उनको भी इनको काम वगैरह करवा के कैसा भी काम सिक्रेट हुआ और बेस्ट काम हो गया हमारा, और इसके लिए सरकार को प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, उनके आभार हैं। और ऐसी समस्या हर हमेशा दूर होनी चाहिए।